हेलो राधे राधे सभी को। आज मेरा लास्ट डे है पीजी पे, भुवनेश्वर मैं छोड़ रही हूँ। ऐसे तो मैं भुवनेश्वर आती हूँ बीच बीच पे, पर फाइनली मैं अपना पीजी छोड़ रही हूँ। 11 साल के बाद हम साथ, जब से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम इस दोस्तों के साथ एक साथ रहते हैं, तो आज थोड़ा सैड भी लग रहा है। ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे पैक कर रहे हैं, काफ़ी सालों से हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद से ग्रेजुएशन भी साथ में किया है, तो आज थोड़ा बुरा भी लग रहा है, तो आप देख सकते हो। तो ये सारे चीज़ें कंप्लीट होते होते समय लग गया, तो हमें भूख भी लगी, तो पीजी में लंच हम खुद ही कुक करते थे। तो आज लंच में बना है चिकन, आलू फ्राई, और चावल ऑलरेडी हो गया था, तो चावल खा के हम फिर शाम को सारा जो भी कंप्लीट पैकिंग करने के बाद हम फिर चले गए मार्केट। तो हम तैयार होके निकले मार्केट बिल्डिंग, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी, जो हमें ज़रूरत थी, तो वो सारी चीज़ें लेने जा रहे हैं। तो बीच में हम थनिक्स में रुके थे, क्योंकि मेरे फ्रेंड को उसके हैंड रिंग चाहिए थे, तो हमने एक गोल्ड का रिंग लिया। उसके बाद हम मार्केट बिल्डिंग पहुँच गए, तो उसको एक नंबर मार्केट भी बोलते हैं, मार्केट बिल्डिंग भी बोलते हैं। मार्केट बिल्डिंग इसीलिए क्योंकि वहाँ पे आपको क्या बोलेंगे, लो रेंज से हाई रेंज के बीच में जो भी चीज़ें आपको मिल जाएगी, यहाँ पे वैरायटीज़ हैं, शॉप्स की वैरायटीज़ हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से पर्स हैं, क्यूट क्यूट पर्स है, बड़ी छोटे से बड़े हर टाइप का कलेक्शन आपको मिल जाता है विथ रिजनेबल प्राइस। तो रिजनेबल मैंने अपने लिए एक छोटा सा पर्स देखा, जिसमें ये पिंक कलर का पर्स मुझे बहुत क्यूट लगा, मैं ये अपने लिए ले आई। और फिर हम काफ़ी सारे प्लाजोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कुर्ता प्लाजो डेली वेयर मिल जाएंगे, आपको लहंगा वगैरह भी मिल जाएगा, ब्राइडल कलेक्शंस मिल जाएंगे, हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ये मार्केट में आपको छोटे छोटे मॉल भी मिल जाएंगे, जैसे बिग मार्ट हो गया, कोलकाता बाज़ार हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम सारे मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे और चीज़ें अपने लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थे वो देख रहे थे। तो ये घूमने के बाद हमने काफ़ी चीज़ें लिया यहाँ से, हमने अपने लिए कुछ प्लाजोस लिए, कुछ कपड़े लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सैटरडे वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, काफ़ी लोग आते हैं, और यहाँ पे आपको हर चीज़ का बेस्ट कलेक्शन मिल जाएगा विथ ए रिजनेबल प्राइस टू हाई प्राइस। जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर आपको संबलपुरी कलेक्शन मिल जाएंगे, यहाँ हर चीज़ आपको एक छोटी से छोटी चीज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद हमें काफ़ी घूमने के बाद हमें भूख लगी, तो हम खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, तो हमें स्पेशली यहाँ पे आलू दम और मालपुआ मिला, जो ये पत्ते पे देते हैं। और मालपुआ मीठा आलू दम, फिर नमकीन और झाली, तीखा, ये क्या कॉम्बिनेशन का बनता है, बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद हम वहाँ पे कुछ आसपास में और छोटी छोटी दुकानों पे एक्सप्लोर कर रहे थे, वहाँ पे कुछ है हेयर क्लिप्स वगैरह, इयर रिंग्स वगैरह हम अपने लिए देख रहे थे। तो आसपास ही हमें और भी कुछ चीज़ें मिल गई है, जैसे और कुछ खाने को मिल गया, तो बगल में हमें गुपचुप मिला, पानी पूरी मिली, उसके बाद मोमोज मिल गए, तो हम ये मोमोज भी ट्राई किया। मोमोज भी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, और जनरली यहाँ पे जो भी लोग मार्केटिंग करने आते हैं, तो सबको ये काफ़ी बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे मार्केटिंग करने के बाद लोगों को भूख लगी जाती है, और खाना देखने के बाद तो स्पेशली हर किसी को भूख लग जाती है। तो फिर हम वहाँ से निकले अपने घर की ओर, तो छोड़ा जो भी थोड़ा मोब, उसके बाद मेरे को एक मेहंदी, जो मेहंदी बनाते हैं वो मेहंदी, तो मुझे वहाँ पे दिखे, तो मैं काफ़ी दिनों से अपने हाथों में मेहंदी बनवाने वाली थी, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, काफ़ी सुंदर मेहंदी लगाई मेरे हाथों पे। और फिर हम डिनर पे कोल्ड कॉफ़ी लिया विथ आइसक्रीम और सैंडविचेस खाए, उसके बाद हम अपने रूम रिटर्न आ गए। सो दिस इज़ माई स्मॉल ब्लॉग।